वेलकम इन एट विन अब स्टार्ट होने लगा है साले मार्केट कंबोडिया सिनोक विले। और अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है साले मार्केट। इट्स लाइक संडे मार्केट कह सकते हैं, जैसे हमारा इतवार बाजार। यहाँ पे मोस्टली आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं, जो भी फॉरनर्स हैं लोकल्स हैं तो मोस्टली लोग यहीं पर आते हैं। और थोड़ा सा आपको कंबोडिया के बारे में बताता चलूँ कि कंबोडिया एक एशियन कंट्री है, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इसका बॉर्डर थाईलैंड के साथ है, लाओस के साथ है, वियतनाम भी शेयर करते बॉर्डर, और मलेशिया की कुछ जगह हैं जो कि हैं। तो अभी ये आप स्टॉल देख रहे हैं सारे फ्रूट्स के, ये मार्केट के। और अभी मैं आपको थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यू भी दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। नारियल पानी भी पियेंगे और बाकी देखेंगे हमारे टाइप का कुछ खाने का है तो ज़रूर ट्राई करेंगे जी। तो ये है ड्राइड फिश, आपने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखी होगी ड्राइड फिश। यहाँ पर क्या करते हैं कि फ़िश की डिफरेंट टाइप्स को ये ड्राई करते हैं, मुख्तलिफ मिसाले लगा के। ये भी सी फूड है, बहुत सारा सी फूड ड्राई किया जाता है, ड्राई करके ये लोग यूज़ करते हैं सूप में और डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ में उनकी, क्योंकि ये सी फूड ही ज़्यादा खाया जाता है जी। तो ये केकड़ों का बलात्कार हो रहा है, ये यू कैन सी। अब मुझे तो इसको खुद को भी नाम पता है, इसको काट के इस लाइक जेली फिश ये सब खाया जाता है यहाँ। ये देखें जी, ये है यहाँ की फिश, ये स्नेल की तरह होती है, स्नेक की तरह। तो ये भी निकाल रहा है, खाने की तैयारियाँ हो रही हैं इसको। ये चीज़ ये है जी शरीफा, आखिरकार हमें यहाँ मिल ही गया, किताबों में पढ़ा था आपने। और ये जी कच्चे पक्के बेर पड़े हैं, यहाँ खाए जाते हैं। यहाँ पे फ्रूट दिखने में मज़े का है लेकिन उतना टेस्टी नहीं होता जितना कि हमारे पाकिस्तान, इंडिया और अदर कंट्रीज़ में। यहाँ क्योंकि मोस्टली इंपोर्टेड आता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, आई थिंक ये न्यूजीलैंड के हैं सेब, और ड्रैगन फ्रूट यहाँ का है, ड्रैगन फ्रूट यहीं का है, बाकी मोस्टली इम्पोर्टेड आते हैं। इसको ड्रैगन इसलिए कहा जाता है कि इसके ऊपर ये जो उल्टे से इसके बने हुए होते हैं ना, डेंजरस से दिखते हैं। तो ये है ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट की रेडी लगी हुई है जैसे हमारे आमों की रेडियाँ लगती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मोस्टली जो रिलीजन है वो है बुद्ध मत, तो यहाँ पे पूजा की जाती है। और ये मूर्तियाँ हैं जो भी पूजा के लिए जाते हैं, ये मूर्तियाँ लेके जाते हैं। इसमें आप खुशबू वाली बत्तियाँ और इस तरह की चीज़ें रखती हैं। और ये वहाँ पर ये सारा ड्राइड सी फूड पड़ा हुआ है। और ये आप चेक कर सकते हैं, ये सारी ड्राइड फिशेज हैं, मुख्तलिफ टाइप हैं फिशेज का। तो ये ज्वेलरी बनाई जा रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ज़बान का होता है, ज़बान बिल्कुल नहीं आती इनको, और हम इनकी नहीं आती ना इनको इंग्लिश आती है। अच्छा, यहाँ की मार्केट में एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे लोकली पार्लर हैं छोटे छोटे, और जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ लेडीज़ ने खोले हुए हैं वहीं पर। तो यहाँ पे लोकल पार्लर हैं, ये आपको नज़र आएंगी रोटियाँ बहुत सारी। और ये वहीं पर जी, तो यहाँ पे मेरे ये साइड पे फ्लावर्स बहुत प्यारे सजे हुए हैं, इनको चेक करते हैं कैसे मैं दिख। जी ये है जैक फ्रूट, द वन ऑफ फेमस फ्रूट ऑफ दिस कंट्री। चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेल्स मैन नहीं है बट सेल्स वोमेन है, तो औरतें बढ़ चढ़ कर काम करती हैं यहाँ पे। चलते हैं नारियल पानी पीते हैं कहीं से, ज़रा बड़ी गर्मी भी है तो देखते हैं यहाँ पे नारियल पानी किस साइड पे दिख रहा है जी। तो मुझे शॉप नज़र आई है ऊपर से, अभी इधर आया हूँ, चेक कि कितने का ये बेच रहे हैं।
हेलो हाउ मच इज दिस 5000 यहाँ पे इनकी करेंसी दो तरह की चलती है डॉलर में भी और लोकल इनकी करेंसी है कैमरा आई थिंक कहते हैं तो उसमें 5000 कैरी ऑलमोस्ट $1.5 या हियर और यहाँ पे नारियल होता भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है इनकी बहुत सारी डिशों में नारियल ये लोग यूज़ करते हैं इनका कुछ स्वीट टाइप चीज़ें हैं ये ठंडे वाला इधर रखा होता है उसमें फ्रीजर में तो अभी हमारे लिए नारियल तैयार होगा ये को काटा जा रहा है इसमें क्रीम निकाली जाएगी जी तो अभी तकरीबन ये डाल रहे हैं काफ़ी मेहनत वाला काम है ये बट दे आर यूज टू तो इनके लिए इतने अच्छे नहीं होते ये देख सकते हैं नारियल पानी मैंने पिया था पहले भी इसमें सॉफ्ट बेरी होती है और थोड़ा सा पका हुआ हो तो थोड़ी सॉलिड वाली और वो ज़्यादा टेस्टी होती है ये यहाँ पे है मांगने वाले बट इसके जबान समझ नहीं आती No. So see, she's yeah. so sweet. Six bite. अभी को मैंने तकलीफ में डाला है थोड़ा ये मुश्किल काम बस ये कि गुस्सा ना हो क्योंकि ये पक्की हुई घड़ी को निकालना ना बड़ा टफ होता है चलें थैंक्स टू हर जी तो ये कॉफ़ी बीन्स के थैले लटके हुए हैं ये चेक करें कॉफ़ी इस फॉर्म में भी यहाँ मिल जाती है मेरे ख्याल में यहाँ पे उगती होगी या फिर इन कंट्रीज से मंगवाई जाती है कहीं पे जी तो नारियल पानी फाइनली और ये इसके अंदर नारियल की सॉफ्ट बेरी स्वीट बट सजेशन ये है कि शॉप के बजाय फ्रेश जो रेडी वाला होता है उसके पास जो होता है ज़्यादा फ्रेश होता है तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ से भी पिए और यहाँ से भी तो जो आउटसाइड पे होता है बल्क में बेच रहे होते हैं उनके पास ज़्यादा टेस्टी होता है बट इट्स ओके जी तो पानी ख़त्म हो चुका है और बड़ी इंजॉय की जा रही है हरेक गए थोड़ी सी सॉफ्ट होती है जैसे पत्थर ही और कोई हार्ड गरी जो बनती है नारियल जब खाते हो ये चीज़ ये थोड़ी सॉफ्ट है और थिन है ये इनकी लोकल टाइप की डिश है ये बना रहे हैं नमप्रोंग कहते हैं अब ये मुझे इस तरह का उसको बता रहा है इसको बनाया जाता है चावल के आटे से राइस फ्लोर और कोकोनट मिल्क तो देखते हैं ट्राई करते हैं शायद मज़े को यहाँ पर भी जंक फूड पे आवाम लगी हुई है लेकिन चेक ये स्ट्रीट फूड है यहाँ का जी तभी इसके साथ सौदा तय हुआ है ये कह रहा है कि जी 5 मैं आपको देता हूँ क्योंकि मैंने कहा चेक कर लें यार मज़े का है तो फिर क्या है सबने बोला कि यहाँ पे चीज़ ले लेते बाद में किसी को नहीं पड़ जाए ये सॉस डॉलर है ओके कौन चॉपस्टिक भी मिल गई है साथ में अभी ये लेके जा रहा है जी बेचने के लिए जी तो ये आ चुके हैं हमारे पास बॉल राइस और कोकोनट मिल्क के ये बने हुए हैं और ये है चॉपस्टिक तो चॉपस्टिक के साथ ट्राई करते हैं I can't. I failed. हमसे नहीं हो पाएगा भैया ये चॉपस्टिक वाला शुगल नॉट बैड एक्सपेक्टेशन थी कि पता नहीं बिल्कुल जाए लेकिन गुड
थोड़ा सा इसका टेस्ट है, टेस्ट है जैसे फ्राइड अनियन होता है, लाइक फ्राइड प्याज, उस जैसे टेस्ट आ रहा है। ये पता नहीं सॉस कौन सा दिया इसने, इसमें डिप करके बेटर बेटर। खाने हमें अपने पसंद होते हैं और हमेशा वही रहते हैं, मगर नई जगहों पे नए कंट्रीज में कुछ नया ट्राई करना चाहिए। 10 में से 6 नंबर दे सकता हूँ। छोटे छोटे कच्चे मैंगो को छील रहा है, क्योंकि ये इस तरह का कच्चा जो है ना फ्रूट वो सॉसेस के साथ खाते। ये सारा फ्रूट जो है ना ये यूज़ किया जाता है सॉसेस के साथ। यहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज भी मिल जाएगी ये सामने। ओ बॉन ये स्वीट डिशेज हैं इनकी, पता नहीं किस टाइप की हैं, ट्राई भी नहीं करने लगा मैं, क्योंकि सारे कोकोनट से मिल मिला के बना लेते हैं। ये फ्रेग्रेंसेस की शॉप है, यहाँ पे टाइप की ये डिवाइसेस हैं, इनसे ह्यूमिडिटी भी प्रोड्यूस होती है और फ्रेग्रेंस भी। हेलो जी, तो ये मार्केट इट्स लाइक भूल भुलैया, जब आप इंटर होते हो तो पता नहीं चलता किधर से निकलना है, किधर से घूमता रहता है बंदा। ये सारी आपको एक सेक्शन रह गया, थोड़ा सा इसका विजिट करा दें। यहाँ पे सारा ये ज्वेलरी का है सेटअप। जी तो ये बिल्कुल प्लेन गोल्ड पसंद करते हैं। अब इधर से अंदाज़ा लगा लें कि ये सब गोल्ड की शॉप्स हैं, और इतना एक्सक्योर तो है कि ये लोग ओपनली यहाँ पे इसका काम करते हैं और इस तरह का कोई मसला नहीं होता, जबकि ये बनाते भी यहीं पे हैं। ये आपको सामने नज़र आ जाएगा, ये लोग ये काम कर भी रहे हैं साथ में। जी तो ये सिल्वर ज्वेलरी है सारी। जी तो ये सारा सेक्शन गोल्ड का है, सिल्वर का है, ज्वेलरी का है, और यहाँ पे आप किसी भी किस्म की ज्वेलरी लेना चाहें खरीदना, मतलब बाय सेल आप दोनों कर सकते हैं। और अभी हम आए हैं शॉप पे, यहाँ हम चेक करते हैं बैटरी कि यहाँ पे हमें मिलती, क्योंकि भाई जी रिस्टवॉच इसकी सेल ख़त्म हो चुके हैं। इतनी आस्क जी, तो फाइनली हम चेंज कराने लगे हैं यहाँ से रिस्ट वॉच का बेल्ट, क्योंकि उनकी आदत है पहनने की, सॉरी तो उसके बगैर गुजारा भी नहीं चलता। जी गाइस, तो ये हो चुका है रेडी, नाउ इट्स लुक लाइक दिस, यू सी इट्स अपडेटेड। $5 इस पर लगे हैं मेरे, $5 का ये बना है, और इट्स 100% लेदर, मच बेटर इन क्वालिटी। जी व्यूअर्स, तो आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड, और नेक्स्ट व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें, और आई विल ट्राई टू मेक मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस अबाउट दिस सिटी, अबाउट दिस होल कंट्री, न्यू प्लेसेस, न्यू एडवेंचर, एवरीथिंग विल बी न्यू, एंड आई होप यू विल लव इट। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।